नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा पासपोर्ट किसी कारणवश रुका है और हमें पीएसके कॉल करके बात करना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, यहां पर हमें बात करनी है और अपनी कुछ जानकारी निकालना है, या फिर क्या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर होता है जिस नंबर पर हम कॉल करके बात कर सके और सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके? तो जी हाँ, होता है। ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से बात करना और क्या बात करना और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपका हो सकता है और क्या क्या वो आपसे पूछ सकते हैं। ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल अभिषेक सानी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टोल फ्री नंबर क्या है? तो जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट डाउन करके रखा है आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा बहुत क्या है कि हम लोगों को भी रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। तो अभी जो टोल फ्री नंबर है यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन आप कर लो और स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, 1800-258-180। ये जो है पीएसके का टोल फ्री नंबर है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पासपोर्ट सेवा केंद्र बात कर सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस बात कर सकते हैं और अपनी जानकारी निकाल सकते हैं कि कौन से कारण से आपका अभी तक जो है पासपोर्ट नहीं आया है, क्या रीजन है। अब आपको इस नंबर पर कॉल करना है, उसके बाद ये आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखो, फॉर कंफर्मेशन के लिए ये आपसे पूछेंगे आपका फाइल नंबर, और आपका फाइल नंबर आपको पता है कि जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए वहां पर जाते हो तो वहां से एक जेरोक्स देते हैं जहां पर फाइल नंबर रहता है, या फिर ऑनलाइन जब आप अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जैसे कि जब हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पर हम आईडी पासवर्ड बनाते हैं, तो उसी टाइम पर जो है जब हम आप वही आईडी से लॉगिन करना है, वहां पर जो है लॉगिन करने के बाद आपका फाइल नंबर वहां पर अंदर जाओगे तो वहां पर शो करेगा, तो वहां से फाइल नंबर निकाल के स्टेटस वगैरह ट्रैक कर सकते हो। तो फाइल नंबर को अपने पास रखना है, जब वो आप उनसे कॉल पर बात करोगे तो वो आपकी फाइल कंफर्मेशन के लिए वो आपसे पूछेंगे कि आपका फाइल नंबर क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो एक्चुअली वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या वो जिससे बात कर रहे हैं वो एप्लीकेंट वही है, वो बंदा वही है, या फिर कोई और बंदा है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। अगर आप सही जानकारी देते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो आपको बता सकते हैं, या किस रीजन से आपकी फाइल रुकी है ये बता सकते हैं, मतलब कोई ना कोई वो आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। नंबर मैंने आपको टोल फ्री नंबर बता दिया और आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अब सपोज है वहां से भी आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, अब आप क्या करेंगे? जब टोल फ्री नंबर के थ्रू भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, ना वो आपकी कोई हेल्प कर रहे हैं, ना कोई सहायता मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में आपके नियरेस्ट में जो आपकी पीएसके ऑफिस है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जो भी है आपके नजदीक में, आपके घर से नजदीक में पीओपीएसके है, मतलब पासपोर्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस वाला जो आप बनवाते हैं ना, तो वहां पर जा सकते हो, या फिर आप अपने पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हो और वहां जाकर आपको डायरेक्ट वहां पर जाके बात करना। वहां जाने के लिए, पीएसके जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, वहां जाकर आप बात कर सकते हो कि सर हमारी फाइल ये प्रॉब्लम है, क्यों अभी तक नहीं आई, क्या रीजन है, ठीक है। तो आप जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैंने नंबर आपको बताया था उस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर और भी कोई और एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुक गई है, आरपीओ में रुक गई है किसी कारणवश, या फिर ऐसा दे रहा है कि योर फाइल इज रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेकर वहां विजिट करना होगा। अब आरपीओ की अपॉइंटमेंट ऐसे इजीली तो मिलती नहीं है, तो भाई हमने जो उसकी भी सर्विस चालू कर दी है कि जितने लोगों को भी अगर आरपीओ अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, आरपीओ की सर्विस चाहिए होगी, सर्विस का मतलब ये कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा अपने आरपीओ का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जैसे कि दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारी लोकेशन है, तो ऐसी जगहों पर अगर आपको जो है आरपीओ का अपॉइंटमेंट चाहिए तब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ चार्जेस लगेगा लेकिन आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया जाएगा विद इन 2 or 3 days के अंदर। अब 2-3 दिन का मतलब ये मत समझ लेना भाई कि 2-3 दिन के अंदर हम अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, ऐसा नहीं। 2-3 दिन का टाइम हमें लगता है अपॉइंटमेंट बुक करने में, हो सकता है पहले दिन हो जाए, हो सकता है दूसरे दिन, लेकिन जो डेट आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट की वो 15-20 दिन बाद मिलेगी, जो आरपीओ की तरफ से मिलती है। वो मैं आपको जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको मेरा नंबर कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कि कितना चार्ज है और कितने महीने मतलब कितने दिनों के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। ए टू जेड मैं आपको पहले ही बता दूंगा, और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, कुछ भी कर दो भाई, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।